जिले के रेहरा बाजार विकासखंड के साजौरा गांव के शिक्षक श्री राम जी से हम छोटी सी मुलाकात कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शिक्षक दिवस की बधाई और ऊपर से जो राज्य शिक्षक पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री और मिला उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री राम जी, आप किस स्कूल में तैनात हैं बल्लामपुर में? मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय साजौरा कंपोजिट शिक्षा क्षेत्र रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर में सहायक अध्यापक के पद कार्यरत हूँ। आपको राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला उसके लिए आपने तैयारी की थी या आपके मन में कैसे विचार आया? सर, मेरे मन में विचार है, जैसे जब हम कार्य करते थे, कार्य करने के बाद हम जो है कई प्लेटफॉर्म पर जो है अपने कृतियों को भेजा, जिससे हमें कई बार पुरस्कृत हुए, हम राज्य स्तर पर कई बार पुरस्कृत हुए। इस प्रकार जब कई बार पुरस्कृत होते होते राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए जो हमको जानकारी हुई तो हमने भी कोशिश किया और भर दिया, और अब की जो है 2019 में हमने भरा था लेकिन उसमें असफल था, और इस बार जो है मेरा सिलेक्शन जो है हो गया और टॉप 10 में मेरा नाम आया। आपने अपने स्कूल में कौन सी आधारभूत चेंज या बदलाव लाया जिससे एक शिक्षक और अभिभावक आपके प्रति आकर्षित हुए, वहाँ पर बेहतर शिक्षा हुई? जी सर, जैसे सर हम जो है शिक्षण, जैसे बहुत से अध्यापक होते हैं सीधा जाते थे किताब पढ़ा देते थे, मैंने वहाँ जो है विभिन्न प्रकार के टीएम का प्रयोग किए, नवाचार किए, वर्किंग मॉडल का प्रयोग किए और मॉडल का प्रयोग किए, इस प्रकार से विभिन्न जो बच्चे जो है स्वयं लर्निंग बाय डूइंग पर मैंने ज़्यादा कार्य किया सर, और वो लर्निंग बाय डूइंग पर स्वयं बच्चे करके सीखे, और जब करके सीखना शुरू कर दिए तो घर पर भी करके सीखना शुरू कर दिए। इस प्रकार से जो है जब हम घर पर गए, बच्चे देखने लगे, अभिभावक भी देखने लगे कि हाँ भाई यहाँ कुछ अलग से कार्य हो रहा है, तो इस प्रकार से जो है अभिभावक जो है बच्चों के रुचि के अनुसार जो है आए, और हम जो है प्रतिवर्ष जो है अपने विद्यालय में 2-3 बार कार्यक्रम कराते हैं, जिससे जो है अभिभावकों को उस प्लेटफॉर्म पर जोड़ते हैं और बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को उस प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करवाते हैं, जिससे अध्यापक और समाज देखता है कि हाँ यहाँ कैसे परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से रहते हैं। यानी गवर्नमेंट स्कूल में जिस तरीके से एनुअल फंक्शन होता है या अभिभावकों का मीटिंग होता है, उस तरीके से आपने उस ये आपने नई पहल किया कि वहाँ पे उस पहल में क्या प्रभाव दिखा आपको? जैसे सर बहुत परिवर्तन हुआ सर, जैसे हमारे यहाँ भी जैसे हम सांस्कृतिक विभिन्न प्रदेश के जो है कल्चर को हम यहाँ बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत वहाँ दिखाना प्रारंभ किए, टीचर पेरेंट मीटिंग कराना शुरू किए, और जब इस प्रकार से जब बच्चे अपने स्वयं करके वहाँ दिखाने लगे तो जो है मैं यही मानता हूँ कि कॉन्वेंट का टक्कर दे रहा हूँ सर, कॉन्वेंट जो है हमारे बच्चे कॉन्वेंट को पार कर रहे हैं।